ट्वेल्थ का इतिहास का जो पहला चैप्टर है ईंट मनके एवं पत्थर, उसका जो आप कहते हैं जिसको नाम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से, है ना। तो उसका जो पहला प्रश्न है पाठ्य पुस्तक में वो यही है, हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को उपलब्ध भोजन सामग्री की सूची बनाइए, इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले समूहों की पहचान कीजिए। मतलब हड़प्पा सभ्यता में जो लोग क्या क्या खाना खाते थे, भोजन सामग्री क्या क्या था, उसके बारे में बताइए, और वो सामान कौन लेकर आता था उसके नाम भी बताइए। तो इसकी सूची क्या है, देखिए हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को उपलब्ध भोजन सामग्री इस प्रकार से थी, क्या क्या चीज़ थी, देखिए अनेक प्रकार के अनाज जैसे गेहूँ, जौ, चावल, दाल, सफ़ेद चना, तिल और बाजरे का भोजन में मुख्य रूप से था। और ये कहाँ से आता था, तो पेड़ पौधे से प्राप्त कथी होता था, फल एवं पत्तियाँ सब पेड़ पौधे से। दूध एवं अन्य उत्पाद था, इसका मांस दूध कहाँ से उत्पादन होता था, या तो भेड़ बकरी से, है ना। उसके बाद मांस, तो मांस विशेष रूप से मछली, लोग मांस के रूप में विशेष रूप से मछली खाते थे। इसके अलावा मांस के बात करें तो भेड़ बकरी तथा सुअर आदि के मांस भी खाते थे वो लोग, पशुओं का मांस भी, ये सब इत्यादि पशुओं का मांस खाते थे। भोजन सामग्री उपलब्ध कराने वाले समूह, अगर बात करें भोजन सामग्री कौन उपलब्ध कराता था, तो मछुआरा या तो किसान क्या करता था, जितना भी गेहूँ है, जौ है, बाजरा है, उस सबको कौन लाता था, किसान उपजाता था। और मछली ज़्यादातर मुख्य स्रोत था, तो मछली मछुआरे लोग मारते थे, है ना, नदी के किनारे बसा हुआ था तो मछुआरे लोग मछली मारते थे और वही लोग भोजन के रूप में खाते भी थे। अला है, इसके अलावा पशुपालक और गरेड़िया भी थे। पशुपालक जैसे मीट जो खा रहे हैं, तो मीट कहाँ से आएगा भाई, तो पशुपालक और गरेड़िया जो थे ना, पशुपालक और गरेड़िया क्या करते थे, वो मुख्य रूप से जो मटन चिकन है, जो भी खाने वाले हैं, जो मीट मांस खाते थे, वो मांस को कौन लाते थे, पशुपालक, जो पशु को पालेंगे वही ना मांस लाएंगे। तो इस प्रकार से क्या क्या खाते थे वो देख लिए, कहाँ से मिलता था वो देख लिया, कौन लाते थे, तो किसान, मछुआरे, पशुपालक लाते थे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, 100 से 150 शब्दों में उत्तर देना है, देखिए तो यही तो है, यही वाला क्वेश्चन दो बार आ गया। यहाँ से देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, पुरातत्वविद हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते थे, वे कौन सी विभिन्नताओं पर ध्यान देते थे। हड़प्पा सभ्यता में मान लीजिए एक स्थान है लोथल, एक मान लीजिए धौलागिरी है, ये एक मोहनजोदड़ो है, अलग जगह ये मोहनजोदड़ो है, ये हड़प्पा है, ये मान लीजिए धौलागिरी है, तो अलग अलग जगह है, तो क्या सब जगह पे लोग एक जैसा सामाजिक संस्कृति था, बैठिए, क्या सब जगह पे समाज एक जैसा रहता था, क्या सामाजिक स्ट्रक्चर एक जैसा था, तो पता कैसे चलेगा, उस समय का लोग तो जिंदा नहीं है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका था क्या, कि यहाँ पे जब खोजा गया तो यहाँ पे सब सामान्य लाश के साथ क्या क्या चीज़ है, लाश है तो लाश के साथ क्या क्या चीज़ है, लाश तो नहीं रहेगा ना, वो हड्डी बचा हुआ, तो हड्डी के साथ क्या क्या चीज़ है, बर्तन है, क्या है, यहाँ का कुछ और है, यहाँ का कुछ और है, यहाँ का कुछ और है, तब पता लगाया वो सब जगह सब तरह का वस्तु का इस्तेमाल होता था, यहाँ चौड़ा लोटा था, यहाँ पे पतला लोटा था, यहाँ पे थाली का उपयोग होता था, यहाँ पे थाली का उपयोग नहीं होता था, यहाँ पे कटोरी का उपयोग होता था खाने के लिए, तो ऐसा पता चलेगा। इससे ये पता चल गया यहाँ पे लोग नाक में पहनते थे ऐसा, यहाँ पे कान में लोग पहनते थे ऐसा, यहाँ नाक में नहीं पहनते थे, यहाँ गला में पहनते थे, तो उस सब अवशेषों से मिला, तब जाकर लोग पता लगाया कि यहाँ की संस्कृति यहाँ की संस्कृति में अंतर है, सब जगह की संस्कृति एक जैसा नहीं है। देखिए आंसर क्या है, देखिए पुरातत्वविद मतलब उसे कहते हैं जो जमीन को खन कर निकालते हैं, सामान को और वस्तु को निकाल कर बताते हैं कि ये किसका संबंध क्या है, कब का है, किसका है, ये सब बताते कब का है, कितने साल पहले का है, जो बताने का काम करते हैं उसे पुरातत्वविद कहते हैं, ठीक है ना। तो पुरातत्वविद क्या करते हैं, हड़प्पाई समाज के सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं का पता लगाने के लिए निम्नलिखित तरीकों का उपयोग करते हैं। सबसे पहला क्या करते हैं, सामाजिक विभिन्नता के दर्शन सावधानों और विलासिता की वस्तुओं से होता है। कौन वस्तु, जहाँ पे लाश को खोदा गया, निकाला गया, वहाँ पे हड्डी मिला अवशेष, तो देखा हड्डी के साथ साथ बहुत रंग का गहना जेवर है, मतलब यहाँ पता चला कि वो यहाँ पे धनी मनी लोग रहते थे, धनी मनी लोग ज़्यादा गहना जेवर पहनते हैं, और जो अब गहना जेवर भी उस समय का पत्थर का दूसरे तरीका का होता था, सोना चांदी का भी होता था, उस दूसरे तरीका का होता था। अब जहाँ पे यहाँ खाना गया, मान लीजिए कहीं पे खाना गया, तो वहाँ पे देखा गया क्या कि यहाँ पे गहना जेवर कम पहने हुआ है यहाँ की स्त्रियाँ, इससे पता चला क्या कि यहाँ के लोग जो थे गरीब थे, है ना, तो गहना जेवर से ही पता चल जाता है ना। अगला है, मिस्र के सावधान पिरामिड की भांति होते थे। अब देखा गया कि मिस्र जो मिस्र देखा, मिस्र का सभ्यता अलग है, मेसोपोटामिया की सभ्यता अलग है, हड़प्पा सभ्यता अलग है, हमारा सभ्यता जो भारत की जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी की सभ्यता जिसे हम लोग कहते हैं हड़प्पा सभ्यता, है ना, तो ये अलग है।
तो मिस्र की सभ्यता में दिखाया गया कि सावधान जो थे, सावधान मतलब कि लाश जो था जो पिरामिड में होता था, पिरामिड में। और हड़प्पा सभ्यता में क्या था, सावधान जो मिला है वो क्या करता था, वो गड्ढा खन के उसमें दफना देते थे लोग, है ना, गड्ढा खन के क्या करते थे, इसमें दफना देते थे, उसमें जो भी सामान उसका यूज करता था, माने कि जो जो चीज़ सामान यूज करता था उसको रख के साइड में दफना देते थे। इसका अलग तरीका से था, विभिन्नता हुआ कि नहीं हुआ अंतर। तो इसे यह पता लगा कि भाई मिस्र का सभ्यता का अलग सावधान है, सिंधु घाटी की सभ्यता का सावधान अलग है, है ना। कुछ सावधानों या कब्रों में मिट्टी के बर्तन और आभूषण भी मिले हैं, बर्तन भी मिले हैं और आभूषण भी मिले हैं। आभूषण स्त्री और पुरुष दोनों धनी लोग के कब्रों से मिले हैं, मतलब जो धनी वनी लोग थे उसके कब्र से ज़्यादा मिला है। पुरुष भी आभूषण पहनते थे, महिला भी आभूषण पहनती थी, मगर धनी मनी जो लोग थे वहीं पर मिला है। मृत्यु के बाद भी मनुष्य की आत्मा द्वारा इन वस्तुओं का प्रयोग करने की अवधारणा इस साक्ष्य की पुष्टि करता है। इसका मतलब ये हुआ, उस समय के लोगों को ये दिमाग में आता था कि मरने के बाद भी उसका आत्मा इस गहना को पहनेगा, इसलिए वो गहना जेवर जितना भी पहनता था उसको पहना उढ़ा के उसी में रख देता था, है ना, ताकि उसको लगता था कि आत्मा भी पहनेगा, मतलब उसको पुनर्जन्म में विश्वास था। हिंदू घाटी सभ्यता के लोगों को पुनर्जन्म में विश्वास था, तभी तो ऐसा करते थे। नेक्स्ट, कुछ सावधानों में छल्ले मन के दर्पण भी मिले हैं, तो अलग अलग दर्पण मिले, तो इससे समझ में ये सब वस्तु मिलने से क्या पता चल रहा है कि सब लोगों की सोच, सब लोगों का जो क्राइटेरिया था वो अलग अलग था, जीवन जीने का शैली जो था वो बिल्कुल अलग अलग था, ठीक है। अब है सामाजिक विभिन्नता, सामाजिक विभिन्नता का प्रमाण कैसे मिलेगा, ये तो हो गया आर्थिक, सामाजिक विभिन्नता कैसे पता चलेगा, तो वस्तुओं के मिलने से होता है। जो आदमी धनी मनी होता है उसके घर का सामान, जो आदमी गरीब होता है उसके घर के सामान को देखिए आप, अंतर होगा कि नहीं होगा। एक धनी मनी आदमी के घर के किचन में घुसेगा तो उसका तरीका रखने, उसका बर्तन बासन सब अलग अलग होगा, और जो गरीब के घुसेगा तो उसका अलग होगा, होगा कि नहीं होगा, थोड़ा सा सिस्टम अलग अलग होगा। तो उन वस्तुओं से पता चलता है कि ये वस्तु का यूज कर रहा है इसका मतलब ये गरीब था, और ये वस्तु का यूज कर रहा है इसका मतलब अमीर था। देखिए यहाँ पे यथा जैसे चक्की हो गया, मृदभांड हो गया, सुइयाँ हो गया, जान लीजिए झावा हो गया, ये सब वस्तु को मिला तो अंदाज़ा लगाया गया कि कहाँ के लोग कैसे थे और कहाँ के लोग कैसे थे, इनमें अंतर क्या था। ऐसे वहाँ के अब कोई भी प्रमाण तो देने वाला तो है नहीं, ना नेट पे उपलब्ध, ना तो ऐसे उस समय ना नेट का प्रयोग करता था, आज से 2500 साल पहले ना नेट था ना मोबाइल था कि आप आदमी अपलोड कर देगा तो आज का फोटो, आप मान लीजिए आप हम लोग मर जाएंगे तो ये फेसबुक पर हमारा फोटो रहेगा, हमारा वीडियो जो अभी बना रहे हैं वीडियो, हमारे मरने के बाद भी वीडियो चलेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया इसका प्रमाण मिल जाएगा, बट उस समय तो कोई नहीं था साक्ष, था कि नहीं, नहीं था। तो उस समय तो इन्हीं वस्तुओं के अनुमान लगाता था कि हाँ ये वस्तु कैसा था। कुछ कीमती पात्र भी मिले हैं। अब ध्यान देने योग्य बात ये है कि जो महंगे हैं पदार्थ निर्मित है, जो दुर्लभ है, जो महंगे थे, वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे वस्तुओं से मिले हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लोग धनी मनी थे, है ना। स्वर्णभूषण केवल हड़प्पा स्थलों से मिले हैं, मतलब सोना के आभूषण हड़प्पा से मिले हैं, मतलब सोना का उपयोग ज़्यादातर हड़प्पा के लोग करते थे। इन आधारों पर विद्वानों का यह विचार हुआ कि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी थी, ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे लोग जो है ना सोना चांदी वाला जेवर भी पहने हुआ था, उनका सावधान में मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी रही होगी, इसका कोई प्रमाण नहीं है। अभी बिहार का भूकंप हो जाएगा तो बिहार का जब भूकंप होने का सब लोग मर अगर जाएंगे सपोज डेट, तो अगर वहाँ पे जब जब खनखन के निकालेगा तो जहाँ पे ज़्यादा बिल्डिंग मिलेगा तो समझेगा ओ यहाँ पे ज़्यादा बिल्डिंग मिल रहा, मतलब ये राजधानी रहा होगा। ये तो पटना में ज़्यादा बिल्डिंग है कि शिवहर में कि सीतामढ़ी में, बोलिए कहाँ ज़्यादा बिल्डिंग है, या कहाँ ज़्यादा ट्रेन है, कहाँ ज़्यादा बस होगा, कहाँ ज़्यादा मॉल होगा, सबसे ज़्यादा बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, पटना में होगा, पटना बिहार की राजधानी है। कहाँ ज़्यादा लोग धनी मनी होंगे, पटना में होंगे, स्वाभाविक है, क्यों, पटना हमारी राजधानी है तो वहाँ पर ज़्यादा धनी मनी लोग बसे होंगे, वहाँ का ज़मीन का वैल्यू, वहाँ का चीज़ों का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से जब वहाँ खनेगा वो, अरे बात नहीं करो, बात नहीं करिए क्लास में, सीधा बैठिए। तो इसी पर ले आया कि भैया कि ये पटना जो है बिहार की राजधानी है, है ना। आप लोग आगे कहाँ नहीं बैठे, से पीछे बैठे, आगे बैठ जाइए, आगे बैठ जाइए, तो पीछे बैठने में दिक्कत हो रहा था, आगे बैठ जाइए। अब मना कौन किया, आगे बैठने में मना कौन किया, बैठिए उसमें, बैठिए बैठिए ना, बैठिए ना, बैठिए, जाइए ना, लेट नहीं कीजिए, लेट करने से कोई पता नहीं, वीडियो चल रहा है हम लोगों का, बैठिए। वहाँ बैठे हैं वो टोपी पहने हुए हैं तो हवा कैसे लगेगा। हाँ बस आइए, बीच में बस आइए, नहीं कभी कभी, हाँ गर्मी है तो गर्मी बराज की। देखिए तो अब वस्तुओं को देख कर ये पता लगा लीजिएगा कि ये वस्तु कहाँ का है ना, मतलब
अनुमान लगाया गया कि भैया ये वो थोड़ा कट कर दो यहाँ पे, कट करो तो उसको कट करके फिर चालू कर दो। तो ये अनुमान लगाया गया कि हड़प्पा जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी रही होगी, इसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई आदमी कोई विद्वान फिक्स रूप से नहीं कह रहा कि वही था, अनुमान लगाया गया क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा धनी मनी लोग का मैंने ज़्यादा आभूषण वभूषण मिला, तो इससे अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर ज़्यादा लोग धनी मनी रहा होगा, और ज़्यादा धनी मनी लोग किसी में कहाँ रहता जहाँ राजधानी होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्या आप इस तथ्य से सहमत है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेतित करती है, अपने उत्तर की कारण बताइए। क्या आपको लगता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो पानी निकासी का व्यवस्था था, पानी निकलने के जो नाले बनाए गए थे, वो दर्शाता है कि उस समय शहर था वो? तो इसको पढ़ते हैं, हम लोग तो जानते हैं कि हाँ भाई बात सही है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की नालियाँ जो थी काफ़ी अच्छी थी, वहाँ आराम से पानी निकलता था, छोटे नालियों से मध्यम नाली में गई, सड़क के किनारे किनारे दोनों तरफ नाले होते थे, और वो भी नाले एकदम पक्की बनी थी होती थी और ढका हुआ एकदम, वहीं खुला हुआ नहीं, मैंने नाली की व्यवस्था हुआ, नाली जाम हो जाता है तब ना खराब हो जाता है, नाली पूरा ढका रहेगा सील पैक रहेगा तो कहीं जाम ही नहीं हुआ, पानी से निकलेगा आराम से जाते रहेगा, बदबू भी नहीं आएगा, मच्छर भी नहीं पड़ेगा, आराम से जाते रहेगा पानी। तो ऐसी व्यवस्था कहाँ पर होती है? अपने अभी भी बिहार में शहर में भी ऐसा व्यवस्था नहीं है, पूरे इंडिया में जाइए, अगर पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, दिल्ली मुंबई कोलकाता कहीं भी जाइएगा ना, ऐसी व्यवस्था नहीं होगी नालों का जहाँ पानी नहीं गिर रहा हो जाए उधर। कुछ राज्यों को छोड़कर जैसे गोवा हो गया, चंडीगढ़ हो गया, इन राज्यों को छोड़कर इन राज्यों को थोड़ा साफ सुथरा जगह है, बेंगलुरु हो गया, ये सब थोड़ा जगह साफ सुथरा है, मतलब तो जहाँ भी आप जाइएगा चाहे दिल्ली हो मुंबई हो कलकत्ता हो, सब जगह पानी की व्यवस्था है, नाली के पानी कहीं ना कहीं इधर उधर छिता रह रहा है। शिवहर में ही देख लीजिए क्या नाली की व्यवस्था अच्छा है, उसे तो अपना गाँव ही अच्छा लगता है, है कि नहीं? पटना में जाइएगा, सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर में जाइए, कहीं भी नाली की व्यवस्था अच्छा नहीं है, थोड़ा दूर ढका हुआ कहीं खुला हुआ है, थोड़ा दूर ढका हुआ कहीं खुला हुआ है, कहीं टूटा हुआ है, कहीं रोड का पानी नाली में, कहीं नाली का पानी रोड पर आ रहा है, इस तरह से व्यवस्था है। मगर सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसी बातें नहीं थी। देखिए इसका आंसर देखिए, ध्यान से समझिएगा पूरा एक एक चीज़ को। हड़प्पा सभ्यता के शहरों में की जो हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकासी प्रणाली और नगर योजना, हड़प्पा सभ्यता के शहरों के नगर योजना के विशिष्ट, यहाँ पे एक पॉइंट बना हुआ, देखिए हड़प्पा सभ्यता के शहरों के जल निकासी प्रणाली और नगर योजना, ये पॉइंट हो गया आपका, और यहाँ पे डैश लगाया हुआ है, यहाँ से क्या कह रहा है देखिए, हड़प्पा सभ्यता के शहरों की नगर योजना विशिष्टता थी, मतलब विशिष्ट थी, अच्छी थी, बहुत अलग थी, अनोखी थी। इस नगरों की मुख्य विशेषता यह थी जल निकासी का प्रबंध, जल निकासी का प्रबंध बहुत ही उत्तम था। इस नगर की जो नालियाँ थी वो मिट्टी के गाढ़े चूने और जिप्सम, या जिप्सम होता है, जिप्सम की बनी हुई थी, इसके इनको बड़ी ईंटों और पत्थरों से ढका जाता था, बड़ी बड़ी ईंटें बनाई जाती थी, नहीं तो बड़े बड़े पत्थर के चट्टान होते थे काट के, उसी से उसको ढका जाता था, जिनके ऊपर उठाकर उन नालियों की सफाई की जा सकती थी, मतलब उसको आप हटाकर साफ भी कर सकते हैं, और वही मॉडल अपना रहा अभी के लोग, क्या करता है सीमेंट करते करके ब्लॉक बना कर डाल देता है, हमें वो रॉड लगा देते उठा के साफ कर सके उसको, नहीं ऐसा व्यवस्था, और वही नकल कर रहा है अभी तक लोग, मगर अभी भी नकल में पूरा परफेक्ट नहीं हो पाया। घरों से बाहर छोटी नालियाँ सड़कों के दोनों तरफ बनी हुई नालियों में मिलता था, और वो जो सड़क के किनारे किनारे दो नालियाँ हैं वो बड़ी पक्की नाली में जाकर मिलता था, मतलब क्या तीन तरह की नालियाँ, एक घर से निकलने वाली पतली नालियाँ, और रोड के दोनों साइड में बड़का नालियाँ वो, और ये नाला भी बड़का नाला में मिलेगा, ये घर से पानी निकला यहाँ आया छोटी नालियों में, रोड के किनारे किनारे बाहर, और बड़ा नाला में आके जाएगा, है ना? तो कहीं ना कहीं व्यवस्था बहुत ही टंच थी, बहुत ही उत्तम कह सकते हैं इसको आप, है ना? उसका क्या करा, वर्षा जल के निकास की बड़ी नालियों में घेरा एक ओर से 2 मीटर तक था, मतलब क्या था कि वर्षा जल भी अगर वर्षा बरसती है तो पानी कहाँ जाएगा उसका भी व्यवस्था किया हुआ था, है ना? घरों से गंदे पानी निकलने के लिए सड़क के दोनों ओर गड्ढे बने होते थे। इन सब में तथ्यों से प्रतीत होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे ना वो अपने नगरों की साफ सफाई की ओर अधिक ध्यान रखते थे, मतलब कि उस समय बहुत ही ध्यान रखते थे साफ सफाई का, है ना? नालियों की देखिए यहाँ से
कला क्या, देखिए यहाँ से नालियों के विषय में मैके ने लिखा, मैके लिखे हैं क्या, मैके एक आदमी है, पुरातत्व विभाग के एक अध्यक्ष थे, पुरातात्विक लोग थे, उन्होंने क्या कहा, निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। मतलब क्या है, यह अब तक जितना भी सभ्यता खोजा गया उसमें सबसे बढ़िया और प्राचीन सभ्यता ये थी, हड़प्पा सभ्यता। फिर भी नाली इतना अच्छा था कि वैसा सभ्यता का नाली अभी तक पूरे इंडिया में ठीक ढंग से नहीं बन पाया है। बताइए ऐसा नाला उस समय आज से 4500 साल पहले बना हुआ, बताइए 2500 ईसा वर्ष पूर्व माना गया, कार्बन 14 के विधि से निकाला गया, तो कब निकाला गया 2500 ईसा वर्ष पूर्व, यानी अभी से लगभग कितना 2500 पहले वाला, 2524 से निकाली। अब जो इतना 100 साल पहले की सभ्यता में इतना लोगों को ज्ञान कहाँ से था, 5000 साल लगभग हो गया, 5000 साल पहले की सभ्यता इतनी अच्छी थी और 5000 साल के बाद भी अभी इतना अच्छा नहीं हो पाया। जबकि पढ़े लिखे इंजीनियर नहीं हुआ करते थे, आज तो पढ़े लिखे इंजीनियर लोग होने के बाद भी नाला की व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं हो पाया। बताइए क्या गुण था उन लोगों में, क्या व्यवस्था थी उन लोगों की, एकदम व्यवस्थाएं, पानी कहीं लगवे नहीं करेगा, पूरा सड़क का पानी नाला में जाएगा, बरसात का पानी नाला में जाएगा, घर का पानी नाला में जाएगा, नाला इसीलिए बना ही हुआ था। अब क्या होता, उल्टा घर का पानी नाला, नाला का पानी रोड पर, क्या करेगा, तो ये सिस्टम चल रहा है, तो व्यवस्थाएं अच्छी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 ये है, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए, कोई भी एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया के बारे में वर्णन कीजिए। मनके जो होता है ना, मनके जो ऐसे आभूषण टाइप के पत्थर टाइप के बनते थे, तो कैसे बनता था मनका, मनका बनाने का तरीका क्या था, चमकने वाली वस्तु जिससे गहना जेवर बनता था वो मनके किस चीज़ से बनाते थे लोग, उसी का बताना है आपको, ठीक है ना, उसका बताना है किस किन चीज़ों से बना था। इसका आंसर क्या दिया, देखिए कह रहा है क्या, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ जो थे उसमें तो क्या था, कार्निलियन, जैस्पर, स्पास्टिक, क्वार्टर्ज, सेलखड़ी जैसे पत्थर, और उसके बाद तांबा हो गए, कांसा हो गए, कांसा हो गए सोने, धातुएं और शंख, फायंस की पक्की मिट्टियाँ, ये सब उपयोग करते थे कांसा को बनाने के लिए, ये सब से मिलाकर कांसा बनता था, ठीक है ना, सॉरी कांसा बनता था, सॉरी इन उपयोग इनका उपयोग करते थे मनका बनाने के लिए, किसके लिए, मनका बनाने के लिए। तो अब मनका बनाने की विधि क्या थी, कैसे बनता था, लो देखिए इसका, मनके बनाने की प्रक्रिया, मनके बनाने की प्रक्रिया तकनीकी उपयुक्त पदार्थों के अनुसार विभिन्नताएँ थी, मतलब अलग अलग मनिका अलग अलग प्रकार के बनते थे, और कुछ एक मनिका के बारे में यहाँ बताया गया है तो इस प्रकार से है। देखिए क्या कर रहा है, देखिए प्रयुक्त पदार्थों के अनुसार विभिन्नताएँ थी, अलग अलग मनका अलग अलग प्रकार से बनती थी, सेलखड़ी पत्थर से आसानी से मनके बनाए जा सकते थे, सेलखड़ी जो पत्थर था उससे मनका बनाना बहुत आसान होता था, क्यों, क्योंकि यह मुलायम पत्थर होता था, कुछ मनके सेलखड़ी के चून के लेप को सांचे में ढाल कर तैयार किए जाते थे, मतलब क्या, सेलखड़ी का पत्थर को पीस कर चून बना के उसको सांचा में ढाल ढाल कर बनाता था, जैसे सोना का नहीं बनता है उस प्रकार से। ठोस पत्थरों के बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों को छोड़कर इसमें अन्य कई प्रकार के आकारों के मनके बनाए जाते थे, मतलब अलग अलग प्रकार के आकृति के मनके बनते थे, एक ही प्रकार के नहीं, गोलाकार, लंबाकार, बेलनाकार, आयताकार, वर्गाकार, घनावाकार, घनाकार, अलग अलग प्रकार के मनके बनाए जाते थे, ठीक है। सेलखड़ी के सूक्ष्म मनकों के निर्माण के विविध स्पष्टता नहीं है, मतलब जो सूक्ष्म सेलखड़ी का में ही मनका बनता था उसका कैसे बनता उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो यही था मनका किस चीज़ से बनता था, कैसे बनता था, तो सेलखड़ी का उपयोग ज़्यादा करता था, सेलखड़ी का उपयोग करके आराम से पत्थर को काट के बना दीजिए और नहीं तो उसको पीस के चूर्ण बना के संचा में ढाल दीजिए, इस प्रकार से मनके तैयार हो जाते थे, ठीक। रेयर कार्ड, ये यहाँ क्या बात कर रहे हैं तुम लोग, ये आए हाँ यहाँ पे आके बात करोगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्न 5 है, चित्र 1.1 को देखिए और उनका वर्णन कीजिए कि सब किस प्रकार से रखे गए हैं, उनके समीप कौन कौन सी वस्तु रखी गई हैं, क्या शरीर पर कोई पुरातत्वीय वस्तुएं हैं, पुरातत्वीय वस्तुएं हैं, क्या इन पर कंकाल में कोई लिंग का पता चलता है, तो कंकाल को देखने के बाद पता चलेगा कि क्या क्या स्थिति है। देखिए तो एक किताब लाइए जरा,
चित्र दशमलव एक दशमलव एक को देखकर बताने के लिए कह रहा है, एक दशमलव एक। तो किताब में एक दशमलव एक एक दशमलव दिया हुआ सावधान को देखकर आपको बताना है। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये दशमलव तीन है, यही ना है तो चित्र को देखिएगा ना, तो आप पता लगेगा कौन कौन चीज़ में हड्डी को पूरा देखिए गौर से, तो आप समझ सकते हैं इसको। चित्र को पूरा देखिए गौर से तो सावधान के बारे में पता आपको चल जाएगा, है ना। ये पेज नंबर कितना उसी क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन के बगल में दिया हुआ है, पेज नंबर 26 पे, है ना। तो इसको देख के आपको क्या अनुमान लगता है, देखिए करा है क्या, सबको एक गर्त में दफनाया गया है, मतलब ये पता चलता है कि सबको गर्त में दफनाया जाता था, सबको कहाँ पे गर्त में दफनाया जाता था, और उसके उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता था, मतलब कि उत्तर दक्षिण रखते हैं, जैसे अभी भी हम लोग करते हैं लाश को क्या सिरहना किधर रखते हैं, लाश का जो सर होता है किधर रखते हैं, उत्तर की तरफ, पाँव दक्षिण की तरफ होता है, अपने आप ये तो ऐसे ही ना होता है, हिंदू धर्म में ऐसे ही होता है, सब का सिर उत्तर दिशा में, हाँ धर्मशास्त्र के अनुसार रखा गया उचित दिशा में आता है, सबकी मांसपेशियाँ कपड़े आदि सड़ गए हैं, क्योंकि उत्तर कंकाल भी उतार दिन का पहले तो नहीं रहेगा, और केवल कंकाल दिखाई दे रहे हैं, मतलब हड्डी बचा हुआ है ना, सबके निकट में कुछ सिर के निकट में दैनिक उपयोग वाने वाले वस्तुएं जैसे घड़ा हो गया, प्लास्टिक हो गया, पास्कल हो गया, ठीक है, फ्लास्क हो गया, थूकदान हो गया, ये अलग प्रकार की जो वस्तुएं यूज नहीं करते हैं अब मनुष्य जो यूज करता है वो सब वस्तु रखा हुआ है बगल में, शरीर पर रखी हुई वस्तुएं पुरातत्वीय वस्तुएं स्पष्ट होती है, बहुत पहले का वस्तु स्पष्ट है, हाथ के कंगन डाले गए हैं, कंगन अभी भी बेचारा के मांस गल गया, हड्डी में खाली कंगन लगा हुआ है ना, संभवतः यह कंकाल पुरुष का है क्योंकि इसमें ललाट चौड़ा है, मतलब कि पुरुष का ललाट मतलब माथा जो होता है चौड़ा थोड़ा होता है, स्त्री का जो माथा होता है थोड़ा सा लंबा होता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि ललाट जो है ललाट के हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है कि पुरुष का है, अनुमान ये कोई फिक्स नहीं है। अब हड्डी को देख के आदमी के बारे में पता लगाना कि कैसा, तो पता कैसे लगा है कि नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ों के बाद लिंग के बारे में पता देखने के बाद पता लिंग का, तब लिंग तो है ही नहीं, तो पता क्या स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, हड्डी देखे तो नहीं बता पाइएगा, हड्डी तो दोनों का स्त्रीलिंग का पुल्लिंग का तो दोनों एक ही होता है, है ना। तो उसी तरह से मानव कंकाल जो होता है ना स्त्री का पुरुष का एक ही जैसा होता है, ज़्यादा अंतर उसमें होता ही नहीं, तो देख हड्डी देख के हम नहीं बता सकते कि वो स्त्री था कि पुरुष था, है ना। नेक्स्ट, अब ये था आपका लघु उत्तरीय प्रश्न बना दिए, अब है आपका छठा नंबर प्रश्न जो आपका 500 शब्दों में देना है इसका आंसर, ये ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं ये पाँच नंबरी पूछेंगे एग्जाम में, ठीक है ना, पाँच नंबरी होगा। तो पहला प्रश्न है मोहनजोदड़ो की विशेषताओं को लिखिए, और इस पाठ का सबसे वीवीआई प्रश्न यही है कि मोहनजोदड़ो की कौन कौन सी विशेषता है, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। तो पहला विशेषता क्या देखिए, मोहनजोदड़ो विश्व का सर्वाधिक प्राचीन योजनाबद्ध नगर है, यह पाकिस्तान में स्थित सिंध प्रांत के लकराना जिले के सिंधु नदी के किनारे हैं, सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, सबसे पहला गुण यही है। और कहाँ पर पाई जाती है, तो अभी वर्तमान में कहाँ पर पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है उसी में लड़काना जिला है, अभी भी है वहीं पर, वो सिंधु घाटी के किनारे ये सभ्यता फली पूरी थी। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो के वर्तमान नगरों के समान योजना अनुसार बनाई गई थी, चौड़ी सड़कें थी, इसके मुख्य सड़क 33 फुट चौड़ी होती थी, दूसरी सड़कें 13.5 फीट चौड़ी होती थी, मतलब कि जो मेन सड़क था वो कितना था, जैसे कि अपने मेन सड़क हो गया वो NH, वो 33 फीट चौड़ी थी, ठीक है, अभी भी नहीं होता 33 फीट चौड़ा, वो करेगा था ढाले हुआ 20 फीट, ओकरा बाद इधर कार्य का जो सड़क है वो 13 फीट कहाँ ढाला, 10-12 फीट ढाल के भाग जाता है, तो कहीं ना कहीं उस समय इससे भी अच्छी थी, सभी पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण की ओर आपस में जुड़ी हुई थी, मतलब समकोण प्रकार की थी, आपको बताया थे सड़कें एकदम सड़क, ये सड़क है, ये भी सड़क है, ये भी सड़क है, आगे वाला सड़क भी ऐसे हैं, एकदम ऐसे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ जाना चाहिए आराम से हर जगह पर चौराहा चौराहा मिल जाएगा, है ना। तो इस सड़कें काफ़ी विकसित थी उस समय की, जो कहते हैं क्या ग्रिड पद्धति। अगला, इस नगर की मुख्य विशेषता थी जल निकास की व्यवस्था, मोहनजोदड़ो की विशेषता यह हो गई कि जल निकास की व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी, नालियाँ जो थे बहुत ही अच्छे बनते थे, जिप्सम से बनते थे, जिप्सम जानते हैं, वही जिप्सम है जिससे सीमेंट बना है, जिप्सम से ही क्या बनता है सीमेंट। नींद कहा आता है हमको समझ में नहीं आया, क्लास में इतना सुबह सुबह नींद नहीं कहा जाएगी, अभी सो कर आए हो, अभी नींद आ रहा है, एक दिन नहीं है, दो दिन, हर ऐसे नींद नहीं। इस नगर नालिया में मतलब जिप्सम का बना हुआ था, और जिप्सम का लेप लगाकर मतलब एकदम पूरा एकदम क्लीन, मतलब क्या
पानी रुकने का कोई साधन नहीं है, है ना। और ऊपर से उठा का मैंने ऊपर से भी पत्थर से या ईंटा से ढका हुआ है, आराम से हटा के उसको साफ सफाई कर सकते हो, अभी हम लोग पढ़े उसको, है ना। नेक्स्ट क्या है, गृह वस्तु। मोहनजोदड़ो की जो गृह वस्तु थी, घर में उपयोग होने वाली जो वस्तुएं थी, वो काफ़ी उत्तम थी, है ना, विशिष्ट थी। और भवन के बीच में आंगन बनाया जाता था, और आंगन के चारों तरफ कमरा होता था, और उसी में एक क्या होता था, मतलब कि देखिए यहाँ पे खाना पकाने के लिए कतई जैसे एक गतिविधि का केंद्र था, जहाँ पे खाना बनाने का जगह था, एक रसोई घर जो गर्म और शुष्क मौसम के लिए प्रयुक्त उपयुक्त था। भूमिगत जल पर बने कमरों में कोई खिड़कियाँ नहीं होती थी। भूमिगत जल मतलब क्या, भूमिगत मतलब भूमि से बना हुआ जो कमरा था, उसमें जो भूमि के नीचे जो कमरा बनता था एक अंडरग्राउंड टाइप का, तो उसमें कोई खिड़की नहीं होती थी, ठीक है ना। शायद सामान वगैरह स्टोर करने के लिए रखते थे लोग। इसके अलावा मुख्य द्वार पर, मुख्य द्वार पर जैसे आते थे, मुख्य द्वार आंगन दिखाई नहीं देता था, मुख्य द्वार से आंगन दिखाई नहीं देता था, मतलब अलग तरीका रखता था उसमें। इससे पता चलता है कि लोग एकांत प्रिय थे, मतलब उस समय के लोग जो थे एकांत में रहना ज़्यादा अच्छा लगता था उन लोगों को। प्रत्येक घरों में ईंट के फर्श से बना हुआ स्नान घर था, मतलब घर जो था ना ईंटा का बना हुआ था, उसमें नहाने वाला जो घर था खासकर ईंटा का फर्श था, उसमें नहाने वाला घर का क्या था, ईंटा का फर्श। जैसे कि अभी नहाने वाला घर में लोग टाइल्स लगवाता है ना ताकि सब जगह नहीं पानी, उसी तरह से ईंटा का उनमें फर्श था। प्रत्येक घरों में ईंटे का फर्श से बना हुआ स्नान घर था, और उस स्नान घर से नालियाँ से जुड़ी हुई थी ताकि पानी आराम से बाहर निकल जाए। कई घरों में कुएँ भी पाए गए हैं, ऐसा ऐसा घर भी मिला जहाँ से कुआँ भी मिला है, तो ये भी मिल गया। पाँचवा विशेषता क्या है कि मोहनजोदड़ो में दुर्ग होता था, और क्या होता था, निचला अवस्थी था। दुर्ग किसे कहते हैं, तो मोहनजोदड़ो में सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, जो धनी वनी लोग थे वो ऊंचे स्थान बनाए गए थे, उसको चारों तरफ से घेर दिया गया था, उसे क्या कहते हैं, दुर्ग। और नीचे जो कम जो गरीब लोग थे उनको माने रहने के लिए कहा था, नीचे वाला वर्ग था, निचला क्षेत्र था उसके लिए, निचला शहर कहते हैं उसको। तो ऊपर वाला जो शहर था दुर्ग, उसमें बड़े बड़े सरकारी भवन बनाए जाते थे, उनमें खदान है, स्नान घर बड़े बड़े बने हुए हैं, ईंट के बड़े बड़े ढांचे बने हुए हैं, हाँ, लकड़ी के ऊपरी हिस्से में बहुत पहले सड़ चुका था। मैं उस समय का घर में लकड़ी तो ही ना रहेगा, लकड़ी उतना पुराना नहीं रहेगा, वो ईंटा रहता है, ईंटा पुराना था, अभी भी अब बता ना उन्हीं ईंटा से उपयोग करके, तो वही से तो जर उसी से तो खोदा गया उसको, ईंटा से तो खोज हुआ उसका। तो कहीं ना कहीं पाँच गुणों को देखें हम लोग, तो पता चला कि मोहनजोदड़ो की जो शहर योजना थी, मोहनजोदड़ो जो थी, तो हम सर्व विकसित पूर्ण विकसित सभ्यता थी, बहुत प्राचीन सभ्यता थी। नहीं, पहला विशेषता क्या था फिर से याद कर लीजिए, पहला विशेषता क्या है, शहर बहुत योजनाबद्ध था। दूसरा, सड़कें बहुत अच्छी थी। तीसरा, नालियाँ बहुत अच्छी थी। चौथा, घर के विशेषता, घर में घर का बनावट बहुत अच्छा था। और पाँचवा, दुर्ग और निचला शहर भी होता था। पांच विशेषताएं हैं, ये पांचों विशेषता को लिखना एकदम जरूरी है और याद करिए लीजिएगा इसको, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है इसका, ठीक है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के अनेक कच्चे माल की सूची बनाइए। क्या हड़प्पा सभ्यता में कच्चे मालों का प्रयोग करके शिल्प कोई चीज़ बनाई जाती थी? शिल्प माने जानते हैं, जैसे हम लोग अभी बनाते हैं रंग बिरंगा चीज़, डलिया मौनी रंग बिरंगे लोग बनाते थे, तो क्या उस समय के लोग भी डलिया मौनी चाहे छैटी उठी टोकरी उकड़ी बनाते थे क्या? कुछ तो बनाते थे, उसका प्रमाण मिलेगा, तब देखते कौन कौन चीज़ बनाते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए कच्चा माल था, क्या चीज़ था कच्चा माल? सीपी, सीपिया ना होता, सीपिया को, हाँ सीपिया, धातु की बनाना, धातु बनाने के लिए, मोहर बनाने के लिए, बाट बनाने के लिए। सिंधु घाटी में माला बनाने के लिए मनगे का प्रयोग होता था, ठीक है। सुंदर लाल रंग के कार्निलियन जैस्पर क्वार्टजर, ये पत्थर था जो लाल रंग का सुंदर सुंदर पत्थर हुआ करता था। तांबा कांसा जैसे सोने की धातु, सोना धातु, तांबा था, कांसा था, सोना था, और सिपियाँ था, सिप्पी सबसे रंग बिरंग का चीज़ बनाते थे लोग। और टेरा कोटा था, या आग में पकी हुई चूना मिट्टी था, है ना, वो काफ़ी हार्ड होता था, उसे रंग बिरंग का लोग भी गहना बनाया करता था। तो ये सब शिल्प कला बनाने के लिए उपयोग इसका प्रयोग करते थे। और प्राप्ति के तरीके, तो कहाँ से प्राप्त करते थे उन सबको, कहाँ से लाते थे वो सब, जितना भी पढ़े हैं टेरी कोटा चाहे जो भी आप पढ़े हैं, ये कार्निलियन पढ़े हैं सुन, है ना, उसका पढ़े हैं आप क्या, ये सब जो वस्तुएं हैं कहाँ से मिलता था उसको, तो मिलता कहाँ था देखिए, शिल्प उत्पादन के लिए अनेक प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग किया जाता था। मिट्टी जो था स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थी, जहाँ जहाँ पर लोग रहता था उसी के आसपास मिट्टी से लोग बनाते थे, परंतु पत्थर और लकड़ी और धातु जो है बाहर से मंगाना पड़ता था, माने कि अलग अलग क्षेत्र में होते थे उनको लाना पड़ता था। कच्चे माल प्राप्त करने के लिए हड़प्पा सभ्यता के लोग कई प्रकार की नीतियाँ अपनाते थे। पहले क्या करते थे, उपमहाद्वीप तथा आगे से आने वाला माल, माने दूसरे महाद्वीप से भी लोग सामान मंगवाते थे। कच्चे माल प्राप्त करने में हड़प्पाइयों ने कई स्थानों को बस्तियाँ बसाई थी। भैया यहाँ पर जाके हम शंख निकालेंगे, यहाँ से जाके हम कोई नीला पत्थर निकालेंगे, यहाँ से हम लाल पत्थर निकालेंगे, तो अपना मोहल्ला बना 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 के उस जगह पर अपना मोहल्ले बना लेते थे, ताकि वहाँ से सामान को हम ला सकें, है ना।
उसके बाद अपना सुदूर क्षेत्रों में संपर्क, कच्चा माल लाने के लिए दूर दूर तक संपर्क बनाए रहते थे, उन लोग दूर दूर से संपर्क बना के क्या करते थे, वो कच्चे मालों का आयात भी करते थे और लेन देन भी किया करते थे, जो तुमको नहीं हमको दे दो, हमको जो है तुमको दे देंगे, इस तरह से लोग काम किया करते थे। तो कहीं ना कहीं उन लोग शिल्प कला के लिए वस्तुओं को बहुत दूर दूर से भी लाते थे, मिट्टी तो आसपास मिल जाती थी, बाकी सब सामान को इधर उधर से दूर दूर से लाने का काम करते थे। आठवां प्रश्न, चर्चा कीजिए कि पुरातत्वविद किस प्रकार से अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। पुरातत्वविद किसे कहते हैं, पहले ये जान लीजिए। पुरातत्वविद वैसे विद्वान को कहते हैं जो पुरानी वस्तुओं के बारे में पता लगाते हैं, पुरानी वस्तुएं जो बहुत काल बहुत साल पहले की वस्तुएं सब हैं उसका जांच पड़ताल करते हैं, खनते हैं, निकालते हैं, उसके बारे में पता लगाते हैं कब का सामान है, कितना दिन का सामान है और किसका सामान है, कैसे बना है, इसका पता लगाते हैं, उसे कहते हैं पुरातत्वविद। क्या कहते हैं? तो पुरातत्वविद इतिहास अतीत का निर्माण करते हैं। तो क्या बात सही है कि नहीं है? तो सही है, क्योंकि पुरातत्वविद नहीं होते तो क्या हमें हड़प्पा सभ्यता का ज्ञान होता? क्या मिस्र की सभ्यता का या मेसोपोटामिया की सभ्यता का ज्ञान होता? नहीं होता। तो ये मेसोपोटामिया का सभ्यता हो या मिस्र की सभ्यता हो या चीन की सभ्यता हो या हड़प्पा सभ्यता हो, उसका ज्ञान किसने कराया? पुरातत्वविद। क्या कराया? तो हम कह सकते हैं पुरातत्वविद क्या करते हैं, वो अतीत का निर्माण करते हैं, पुराने चीजों को हमें बताते हैं, वही बात इसमें लिखा हुआ है। अगला और लास्ट सबसे सवाल इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन यही है, हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों की चर्चा कीजिए। तो उस समय जो शासक लोग थे, उस समय में राजा महाराजा मुखिया हुआ करता हुआ कोई, तो वो लोग क्या काम करते थे? तो इसका आंसर क्या दिया, देखिए, हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्य निम्नलिखित है। पहला, हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कोई ऐसा स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला है जिसके आधार पर शासकों द्वारा किए गए कार्यों का विवरण दे पाए, शासक ने क्या काम किया ये प्रमाण नहीं मिल पा रहा है। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार का अभाव है, क्योंकि उस समय नहीं मिल पा रहा, उस समय के समान नहीं है। अभी मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन को प्रसाद कहा गया, विशाल भवन मिला जिसे प्रसाद कहा गया, परंतु वहां शासक के संबंध में कोई वस्तु नहीं मिली है। पुरातत्वविदों ने एक पत्थर की मूर्ति को मेसोपोटामिया के इतिहास के आधार का पुरोहित राज की संज्ञा दी है। एक पत्थर का मूर्ति भी मिला है जिसे कहा गया है पुरोहित का एक फोटो है, ये तस्वीर है, ये पुरोहित का ये मूर्ति है ऐसा मानता है, मगर इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। हड़प्पाई शासक संभवतः लड़का सब बड़े बदमाश है, मगर छोटा आके यहाँ पे चिंचला रहा है जबकि दो महिला तीन महिला पूरा खाली है, तो बंद किए तो पिटाई करता है सर। देखिए, हड़प्पाई शासक जो थे ना, संभवतः क्या काम करते थे, तो अनुष्ठानिक कार्य करते थे, अनुष्ठान करते थे, उनकी याद में बनाए जाने वाले चित्र मोहर उत्कीर्णित करते थे, उनके याद में कुछ तस्वीर या पत्थर पे कोई चित्र मूर्ति बनाया करते थे लोग। ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीतिक सत्ता वाले को ही अनुष्ठान करवाने का अधिकार था, मतलब जितना पूजा पाठ होता था उसमें मेन जो राजा हुआ करता था वही लोग पूजा पाठ ज़्यादा करवाते थे, वही पूजा पर बैठते थे, उसी का परिवार लोग बैठता था, बाकी सब लोग देखने वाला था, ऐसा लगता है, मगर ये कोई प्रमाण इसका परफेक्ट नहीं मिल पा रहा है। बोले ना, कुछ विद्वानों का यह भी विचार है कि हड़प्पाई समाज के जो शासक थे ही नहीं, उसमें कोई शासक था ही नहीं, ऐसा भी वो लोग बता रहे हैं कुछ विद्वान लोग, तथा सभी के सामाजिक स्थिति समान थी, मतलब सब समान था, ना कोई राजा ना कोई प्रजा ना कोई धनी ना अमीर, सब एक जैसा कहीं रहता था, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। कुछ पुरातत्वविदों में से एक वर्ग का कहना है कि यहाँ एक से अधिक शासक थे, और कुछ लोग कह रहा है कि एगो शासक नहीं, कईगो शासक हुआ करता था यहाँ पे, एक कह रहा है क्या कि एगो शासक हुआ करता था, दूसरा कह रहा है कि कोई शासक था ही नहीं, और तीसरा मत क्या कह रहा है कि एक नहीं कई शासक थे। सबका अपना अपना विचार है। इसके अनुसार ये था कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो चुहंद्रो आदि में अलग अलग शासक थे, सबका शासक अलग अलग था, मोहनजोदड़ो का अलग, हड़प्पा का अलग, चुहंद्रो का अलग, सबका अलग अलग शासक था, ये ऐसा मान रहे हैं। कौन? कुछ लोगों का भी मत है, कुछ लोगों का तो मत है था शासक था ही नहीं। पुरातत्वविदों का एक अन्य वर्ग कहता है, एक और वर्ग है जो कहता है, क्या कहता है कि संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता एक ही राज्य थी, मतलब संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में एक ही राजा हुआ करता, मेन शासक एक ही हुआ करता था। इसका प्रमाण पुरातत्वीय वस्तुओं में पर्याप्त समानता का
का रहना, मतलब सब जगह एक ही जैसा वस्तु है, इसके आधार पर वो कहा इस बात को। ईंटों का आकार निश्चित अनुपात में था, कच्चे माल में जो स्रोत थे वो भी एकदम सीमित थे, और समीप जो कच्चा माल जहाँ पे बनने वाला है वहीं पे आसपास में बस्तियाँ बसी हुई थी। तो इसी ये पता चल जाता है कि सब जगह एक जैसी सभ्यता थी रही होगी, यह भी ऐसा अनुमान तक कहा गया है, इसका भी कोई प्रमाण नहीं मिला। तो मतलब क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के शासक के विषय में कहा जाए तो फाइनली ये कह सकते हैं कि ऐसे लोगों की मान्यता थी कुछ लोगों का कि सब जगह एक ही तरह के शासक रहा करते होंगे। फिर कुछ लोग कहते हैं कि शासक थे ही नहीं, और कुछ लोग कहते नहीं, मोहनजोदड़ो में अलग, हड़प्पा में अलग, चुनहुंदरों में अलग, अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के शासक रहा करते होंगे। इस सब का भी प्रमाण नहीं है, क्योंकि उतना प्राचीन का प्रमाण तो हम लोग अस्थियों से, पत्थरों से और मनके से ही पता लगा सकते हैं। तो जो चीज़ लिखा हुआ, जो लिखा हुआ मिला है उसको पढ़ नहीं सकते हैं, उसको ऐसा लिखावट है कि जो पढ़ नहीं सकते हैं। तो बताइए, लिखा हुआ पढ़ नहीं सकते हैं, पत्थरों पर कोई बना हुआ चीज़ नहीं मिलेगा, तो कोई किताब नहीं लिखा हुआ तो पता कैसे चलेगा हमको। तो अनुमानतः ये सब अनुमान लगाया गया है इस सभ्यता के बारे में, ऐसी ऐसी बातें, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका पूरा पाठ्य पुस्तक का प्रश्न खत्म हो गया। 9 प्रश्न था, 9 के 9 प्रश्न हम आज बताए हैं, इसको आप नोट करेंगे और याद करेंगे। इसमें से सारे प्रश्न में से मोहनजोदड़ो वाला प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है, ठीक है। बंद कर, क्या बोले हैं?